अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मुझे उम्मीद है तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। पाकिस्तान में रहने वालों को भी नया साल मुबारक हो और प्रदेश में रहने वालों को भी नया साल मुबारक हो। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि मैं ये जो चंद बातें आपके साथ शेयर करूंगा, इन पर आपने भी सोचना है और मैंने भी सोचना है। नाज़रीन, 2021 हमारे लिए एक नई उम्मीद, एक नई किरण लेकर आया है जिसका हमने फ़ायदा उठाना है, जिसमें हमने गरीब लोगों की मदद करनी है, उनके दुख दर्द में शामिल होना है, दुखी इंसानियत का सहारा बनना है। क्योंकि देखें कि दुनिया में कितने ताकतवर लोग आए, कितने दौलत वाले लोग आए और वो ये चंद लम्हात गुजार कर वापस अल्लाह की तरफ चले गए। तो अल्लाह ताला ने हमें ज़िंदगी देकर हमें एक नया मौका दिया है कि हम एक दूसरे के साथ चलें, एक दूसरे की मदद करें और एक दूसरे की कदर करें। क्योंकि जब हम जिंदा लोगों की कदर करेंगे तो अल्लाह ताला हम पर खुश होगा, अल्लाह ताला हम पर राज़ी होगा और मेरे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम पर राज़ी होंगे। और उनकी कुर्बत हासिल करने के लिए ज़रूरी है हमारे लिए कि 2021 के बारे में हम सोचें और इस पर फिक्र करें कि हमने कितने दुखी लोगों का सहारा बनना है, कितने नाराज़ हुए लोग हैं उनको राज़ी करना है, कितने गरीब हैं जिनकी मदद करनी है, कितने गरीबों को कपड़े लेकर देने हैं, कितने गरीब लोगों की शादियां करवानी हैं। और ये तब ही मुमकिन है जब हम इन बातों की तरफ तवज्जो देंगे, जब हम आने वाले लम्हे के बारे में सोचेंगे, तब ही हमें इस दुनिया में भी कामयाबी होगी और उस दुनिया में भी। क्योंकि ये दुनिया फ़ानी है, यहाँ पर हर रोज़ एक एक लम्हा हमारा ज़ाया हो रहा है और हम उसको वैसे ही ज़ाया कर रहे हैं। हालांकि हमें इन लम्हों को ज़ाया नहीं करना चाहिए, हमें 2021 को एक रोशन साल बनाना है। और रोशन साल तब ही बनेगा जब हम एक दूसरे की कदर करेंगे, जब हम एक दूसरे को इज्जत देंगे। और मुझे उम्मीद है कि मैं भी इन बातों की तरफ तवज्जो दूंगा और इन पर अमल करने की कोशिश करूंगा, और जो जो बंदा मेरा ये पैगाम सुन रहा है वो भी इस पर अमल करेगा, और ताकि हमारा 2021 एक अच्छा साल गुजरे, पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा साल हो और इसको हमने बहुत ही अच्छा साल बनाना है। जब हम एक दूसरे के साथ चलेंगे, जब हम अल्लाह के बताए हुए असूलों पर चलेंगे, देखें कि ये बीमारियां भी ख़त्म हो जाएंगी, ये गुर्बत भी ख़त्म हो जाएगी, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, जो भी बुरी चीज़ें आई हुई हैं सब कुछ ख़त्म हो जाएंगी। तो मैं तमाम दोस्तों से इजाज़त चाहता हूँ। वस्सलाम।